हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने ट्रैवल किया था फ्रॉम बैंगलोर टू रामेश्वरम तक। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगी द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया धनुषकोडी, और साथ में ही दर्शन करने जाऊंगी श्री रामानाथ स्वामी टेम्पल। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज सुबह सुबह हम लोग निकल चुके थे मदुरई से रामेश्वरम की तरफ। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं पंबन ब्रिज पर, और यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है आइकॉनिक पंबन ब्रिज का। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधे रामेश्वरम की तरफ। रामेश्वरम पहुँचने से पहले रामेश्वरम म्यूनिसपैलिटी का यहाँ पे हमें टोल टैक्स देना पड़ा, 4 व्हीलर्स के लिए ₹100। और अभी सुबह के 9 बज रहे तो हम लोग होटल में चेक इन नहीं कर सकते, इसलिए डायरेक्ट निकलते हैं धनुषकोडी की तरफ। धनुषकोडी यहाँ से है 20 किलोमीटर। तो चलिए फिर चलते हैं। धनुषकोडी पहुंचने से पहले यहाँ पे मंडपम वाइल्ड लाइफ रेंज का प्लास्टिक चेक पोस्ट है। यहाँ पे हमें 4 व्हीलर के लिए ₹20 टोल चार्जेस देने पड़े। तो चलिए अब आगे चलते हैं। धनुषकोडी को द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, साथ में इसे गोस्ट टाउन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि 1964 के साइक्लोन से पहले ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन और तीर्थ स्थल था, जिसके चलते यहाँ पर होटल्स थे, कपड़े के दुकान थे। यहाँ पे इवन जो मंडपम से रेलवे लाइन रामेश्वरम तक जाता है, 1964 के साइक्लोन से पहले वो डायरेक्ट धनुषकोडी आता था। तो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी था, पोस्ट ऑफिस भी था, एंड इवन बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी थे। बट 1964 में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तबाह हो गया। इसके बाद से इसे गोस्ट टाउन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। तो हम लोग मैप के अनुसार अभी धनुषकोडी पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें अभी आगे जाना है अर्चल मुनाई तक। और यहाँ पे आप देखोगे रोड के दोनों साइड में आपको काफ़ी सारे शॉप्स दिखेंगे। यहाँ पे आपको शीशल्स मिल सकते हैं, अगर आपको सी फूड खाना है तो वो भी यहाँ पे मिलेगा। फिलहाल अभी तो हम लोग नहीं लेंगे, बट लॉट ऑफ टाइम देखेंगे, अगर कुछ शॉपनियर लेना हो तो ले लेते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वॉच टावर भी है धनुषकोडी का। चल रहे हैं द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया के तरफ, एकदम लास्ट पॉइंट के तरफ, और दोनों साइड समुंदर है, एक तरफ शांत समुंदर और एक तरफ लहरों के उफान वाला समुंदर। और सामने के कैमरे से आपको मस्त व्यू तो दिख ही रहा होगा। और 2-3 मिनट और रह गए एकदम लास्ट शॉट पे जाने का, वहाँ से मात्र 16 किलोमीटर दूर है श्रीलंका। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं धनुषकोडी। सुंदर नजारे देखते देखते हम लोग धनुषकोडी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे काफी भीड़ लग रही है मुझे। तो फिलहाल चल के पार्किंग की जगह ढूंढते, गाड़ी लगाते हैं एंड चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं धनुषकोडी। तो हमें अभी धनुषकोडी पे, लास्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे तो कोविड जस्ट ख़त्म हुआ था, तब यहाँ पे हमने अपनी कहीं कार पार्क करी थी। अभी इस बार यहाँ पे कार पार्किंग नहीं है, सब जगह नो पार्किंग लिखा है, और थोड़ा बेटर भी है, लोग यहाँ पे अच्छे से घूम सकते हैं। कार हमने कहीं वहाँ पीछे कहीं पार्क करी है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और खाने पीने के, स्नैकिंग के थोड़े बहुत हैं, काइंड ऑफ बीच है यहाँ पे, तो अब हम बीच की तरफ जाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। धनुषकोडी में इंडियन ओशन और अरेबियन सी का संगम होता है। यहाँ पे एक तरफ आपको ऊंचे ऊंचे लहरों वाला समुंदर दिखेगा, तो दूसरी तरफ आपको एकदम शांत लहरों वाला समुंदर दिखेगा। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, मेरा तो बस मन यही कर रहा है इस अद्भुत नज़ारे को देखती रहूँ
और बस यहाँ बैठी रहूँ। खैर अभी वहाँ पे कुछ बीच जैसा दिखाई दे रहा है तो उधर चलते हैं। तो ये है धनुषकोडी, द लास्ट लाइन ऑफ इंडिया, और उस साइड जो समुंदर है उधर से भी हम लोग आ रहे हैं। उधर काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें थे और इधर आप देखोगे तो एकदम समुंदर दूर तक दिखेगा, लेकिन ये एकदम शांत समुंदर है, जैसे कोई बहुत बड़ा सा लेक हो। फिलहाल हमारा वक्त हो चला है यहाँ से निकलने का। निकलने के साथ ही आपको यहाँ पे बैरिकेड के बाद प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे फूड्स के लिए, स्नैक्स के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कट फ्रूट्स दिखेंगे। तो कट फ्रूट्स खाते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग। फिलहाल हमने किनारे पे अपनी कार पार्क कर दी है और ये देखिए कितना सुंदर नजारा है। ये दूर दूर तक समुंदर नीला नीला और ये ऊंची ऊंची लहरें, इतना सुकून मिल रहा है ना। कुछ वक्त यहीं पे गुजारते हैं फिर चलते हैं आगे। कुछ ही दूर चले थे कि हमें रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है। इसके बगल में एक पूरी लेन है शॉपनियर शॉप्स की, शीशल्स बेसिकली आपको दिखाई देंगे बहुत सारे। और इसके बगल में ही आप जाओगे तो आपको 1964 के साइक्लोन के काफ़ी सारे खंडर देखने को मिल जाएंगे। धनुषकोडी था यहाँ पे, यहाँ से हम बाय रोड आए और हमने कम 4 किलोमीटर चले होंगे। और ये एक रैंप जैसा है, रैंप क्या बोलेंगे इसको, हाँ सी वॉक कह सकते हैं इसको। तो ये एक सी वॉक मिला है तो इसमें हम जा रहे हैं। Several bad puns later. तो पानी के ऐसे छींटे पड़े, समुंदर के खारे पानी का ऐसा छींटा है जो छूट ही नहीं रहा है। हाँ गाड़ी पार्क कर दी अपनी और ये हमारा होटल। आज होटल की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी चल के अंदर चेक इन करते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकलेंगे शाम में श्री रामानाथ स्वामी टेम्पल दर्शन के लिए। फिलहाल हमने एक ऑटो बुक कर ली है, हमें जाना है अभी श्री रामानाथ स्वामी मंदिर दर्शन के लिए। तो ऑटो वाले ने वहाँ उतार दिया और यहाँ से ऑल द वे मंदिर का बाउंड्री चल रहा है और अब हम लोग जाएंगे एंट्री पॉइंट, जहाँ पे मंदिर का एंट्री पॉइंट होता है उस गेट पे जाएंगे और उधर ही है अग्नि तीर्थ। तो एक बार वहाँ चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं अग्नि तीर्थम। यहाँ की मान्यता है कि लोग पहले यहाँ स्नान करते फिर इस डायरेक्शन में जाके उधर मंदिर जाते हैं। तो अभी गए थे मंदिर की तरफ, मंदिर के तरफ पट नहीं खुले हैं अभी, तो वैसे हम नहा के निकले थे क्योंकि सुबह धनुषकोडी गए थे तो काफ़ी धूल हो गई थी। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा छीटे ले लेंगे अगले तीर्थम में। लेकिन अगर आप अगले तीर्थम देखोगे तो ये पूरा एक तरह से समुद्र का तट है, बीच के तरह कह सकते हो आप इसको। लेकिन जब हम आए थे तो उस टाइम मानसून का सीज़न था तो ये कुछ भी विजिबल नहीं था, पानी ऊपर तक आ रहा था, पूरा सीढ़ियों तक था, अभी दिखाएंगे पानी था। अभी इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बीच है,
लेकिन जब आप मानसून में आते हो तो ये पूरा भर जाता है, सीढ़ी तक पानी होता है। हम सीढ़ियों पे भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं। चलिए, अग्नि तीर्थम के बाद 22 कुंड के जल से नहाना होता है, तो अभी हम लोग उसी जगह पे आ गए। यहाँ पे 22 होली कुंड है, एक एक में नहाने के लिए 25 रुपए लगेंगे। ये है गेट, दर्शन स्ट्रेट राइट, ये कुंड स्थान के लिए है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, चार धाम यात्रा में से एक, आज हम आ चुके हैं श्री रामानाथ स्वामी मंदिर। तो मंदिर में कैमरा और फोन अलाउड नहीं है, तो पास में ही लॉकर सर्विस अवेलेबल है, तो वहां पे जमा करके फिलहाल हम लोग लग जाते हैं मंदिर के लाइन में। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस अग्नि तीर्थम की तरफ जा रहे हैं। बोटिंग हाउस हम लोग आए हैं, 2020 में आए थे तो ये बंद था। अग्नि तीर्थम के पास में बोटिंग है, 100 रुपीज बोटिंग चार्जेस है और यहाँ पे आप फेरी राइड एंजॉय कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हम ही दो लोग बैठे हुए हैं फेरी राइड के लिए वेटिंग एरिया में, बट इनका कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है तभी ये फेरी राइड शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं, डायरेक्ट होटल की तरफ जाते हैं। The next day. सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग अपनी रिटर्न जर्नी शुरू कर चुके हैं रामेश्वरम से बैंगलोर के लिए। डिस्टेंस रहेगा अराउंड 600 किलोमीटर और हमें लग जाएंगे लगभग 10 से 11 घंटे, डिपेंडिंग ऑन कितने स्टॉप हम लोग बीच में लेते हैं। रूट हमारा सेम रहेगा जिस रूट से हम लोग आए थे, तो रूट के लिए आप लोग हमारा पिछला ब्लॉग देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड ऊपर टैग भी कर दूंगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन रुको जरा, सबर करो। सुबह सुबह का मौसम है और हम जा रहे थे पंबन ब्रिज से, तो हमने कुछ गाड़ियों को रुके हुए देखा, तो हमने सोचा अंधेरे में क्या ही लग रहा होगा, लेकिन नहीं, बहुत सुंदर लग रहा है। Once in a while ही ऐसा होता होगा कि पंबन ब्रिज से सनराइज देखने को मिले। बीच में ये ब्रिज, दोनों तरफ समुंदर और सनराइज, बहुत ही सुंदर नजारा है ये। खैर, इसी सुंदर नजारे के साथ आपसे विदा लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।